नारंगी थोड़ा सा नीचे जाइए, थोड़ा सा ठीक है। Excellencies, this concludes the signing of agreement ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the proceedings. Good afternoon, ladies and gentlemen. I extend a warm welcome to all of you to this press event. To begin the proceedings, may I request the Prime Minister of India to deliver his statement to the press. Your Excellency, Pradhan Mantri, or Mere Mitra, मेरे मार्क रूट, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, मेंबर्स ऑफ द मीडिया, फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मार्क और उनके साथ आए शिष्टमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत है। मुझे विशेष रूप से प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मार्क के साथ उनके चार कैबिनेट सहयोगी हैग के मेयर और 200 से अधिक बिजनेस प्रतिनिधि भी आज भारत आए हैं। नीदरलैंड से भारत आने वाला यह सबसे बड़ा बिजनेस प्रतिनिधि मंडल है और यह साफ दर्शाता है कि हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट संबंधों में कितना डायनेमिज्म है, कितनी संभावनाएं हैं। 2015 में प्रधानमंत्री रूट पहली बार भारत आए थे। 2017 में मेरा नीदरलैंड जाना हुआ था और हमारा तीसरा समिट आज यहां फिर से हुआ है। ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके साथ हमारे संबंधों में हाई लेवल विजिट्स का इस प्रकार का मोमेंटम रहा हो और इस मोमेंटम के लिए भारत के साथ संबंधों को निजी रूप से प्राथमिकता देने के लिए मैं मेरे मित्र मार्क का हृदय से अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम दोनों अपने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का रिव्यू किया, क्षेत्रीय और वैश्विक डेवलपमेंट्स के बारे में अपने आकलन साझा किए और हम दोनों देशों के प्रमुख सीईओ से भी मिले। पिछले वर्ष जब मैं नीदरलैंड गया था तो मैंने मेरे मित्र मार्क से आग्रह किया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बनने पर सकारात्मक रूप से विचार करें और ऊर्जा के क्षेत्र में नीदरलैंड के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो एक्सपीरियंस है और जो महारत है उसका लाभ पूरे विश्व को मिलना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज नीदरलैंड्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। इस निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री रूट का आभार प्रकट करता हूं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम्स तक भारत और नीदरलैंड्स के बीच बहुत अच्छा और करीबी सहयोग और समन्वय रहा है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे मजबूत सहयोग का एक नया आयाम होगा। फ्रेंड्स, भारत डच कंपनियों के लिए नया नहीं है। बहुत वर्षों से सैकड़ों डच कंपनियां भारत में काम कर रही है। नीदरलैंड्स भारत में अब तक हुए कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पांचवें सबसे बड़ा स्रोत है और
पिछले कुछ समय में तो तीसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है। उसी प्रकार भारतीय कंपनियों के निवेश के लिए भी नीदरलैंड्स बहुत ही आकर्षक डेस्टिनेशन है और इसलिए दोनों देशों के सीईओ से मुलाकात बहुत ही उपयोगी रही। मुझे प्रसन्नता है कि नीदरलैंड्स के बिजनेस समुदाय में भारत में बन रहे अवसरों के प्रति उत्साहपूर्वक भावना है। मैंने भी उन्हें आश्वस्त किया है कि भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के प्रति मेरा मजबूत कमिटमेंट रहेगा। कृषि और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये विषय हमारी फूड सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, साथ ही भारत के किसानों की आय को दोगुना करने के हमारे लक्ष्य के लिए भी इनका अहम महत्व है। इन क्षेत्रों में नीदरलैंड्स को महारत हासिल है। पिछले वर्ष वर्ल्ड फूड इंडिया में नीदरलैंड्स ने फोकस कंट्री के रूप में हिस्सा लिया था और मुझे विश्वास है कि 2019 में इसके अगले एडिशन में नीदरलैंड्स की भागीदारी और भी अधिक होगी। मुझे प्रसन्नता है कि बारामती में सब्जियों के लिए पहला इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सेलेंस शुरू हो गया है। इस प्रकार के अन्य केंद्रों पर भी हम साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इसी प्रकार शहरी विकास में भी हमारा सहयोग गतिमान है। वडोदरा और दिल्ली में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स अच्छी प्रगति कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे सहयोग के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 2019 में भारत में आयोजित होने वाली टेक समिट में नीदरलैंड्स द्वारा पार्टनर कंट्री के रूप में भागीदारी से इस सफल साझेदारी को और भी मजबूती मिलेगी। फ्रेंड्स, मेरी सरकार की विदेश नीति की एक बड़ी प्राथमिकता रही है कि विदेश में रहने वाले भारतीय समाज के विषयों पर हमारा खास ध्यान। सितंबर 2017 में सिंट मार्टन में आए हरिकेन से के समय भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के विषय पर सहयोग के लिए मैं प्रधानमंत्री रुट और नीदरलैंड के सरकार का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। एक्सलेंसी, मैं एक बार फिर भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आपके इस पूरे डेलीगेशन का कार्यक्रम बहुत ही सफल और उपयोगी होगा और आगे के भी उनके कार्यक्रम और अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे और उसमें भारत की तरफ से जो भी आवश्यक है उसमें करने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। मे आई नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स टू डिलीवर हिज रिमार्क्स टू द मीडिया। Prime Minister Modi, dear Narendra, we have indeed had many exchanges. Me visiting now for the second time India, you visiting The Hague. We are on the phone when necessary. We meet in Davos, wherever. And that is testimony to the fact that the relationship between our two countries has grown so much more close, both on the economic side as well as on the political side. We are working in many areas. As I said before, when we had the CEO roundtable, the fact that the Indian government, under Prime Minister Modi's leadership, has clearly articulated what it wants to achieve in its term in office in terms of the transformation of Indian society, makes it easier for others to participate, to help. You need that clarity for the business community, for others, for other political partners, for other countries to be able to participate. And we are learning from that. When we try to
help India in terms of its agricultural development, we are learning from you. When we try to give you one or two insights on what we have experienced in the last couple of centuries in terms of fighting too much water, not enough water, or water which is not clean enough, we can learn from you. So it is really a both-way relationship. It is very equal. Of course, we are a much smaller country, but still the friendship and the cooperation is intense at the moment. And I want to thank you for that, also for letting us be part of the International Solar Alliance. I'm very proud of having been able now to put my signature on paper. And we will absolutely invest in that particular endeavor, because climate change and everything needed in terms of adaptation and fighting climate change is of crucial importance, both for India as well as for the Netherlands. We had very productive talks today, talking about the political situation in the region, in the European Union, discussing our bilateral economic relationship, the business community having an intense debate on how they can expand on what is already happening in terms of clean air, clean the holy Ganges River, the industrialization of India, ICT, smart cities, all the projects going on. And at the same time, so many Indian companies are now active in the Netherlands and helping us to build a more successful and a more resilient society. So in that spirit of friendship, of cooperation, I look forward to our next meetings. We made some practical remarks and we have some follow-ups to do from this meeting, which will extend to the UN week in September and then up to other meetings later this year. And I very much look forward to that and to host you once again in the Netherlands in the future, being back here in India, be it on the phone. If there is a friendship, it's always great to talk and to build on that friendship. So again, Prime Minister Modi, dear colleague, dear Narendra, thank you for hosting us, and thank you for what we are achieving together. Thank you all for joining.